बरनाला दे पिंड जोधपुर दे नौजवान दा मनीला च गोलियां मार के कतल किया गया है। घटना की सूचना मिलदिया ही मृतक दे परिवार ते पिंड च सोग दी लहर दौड़ गई है। जानकारी मुताबिक प्रगट सिंह वासी जोधपुर पिछले 10 सालां तों मनीला विच रह रिहा सी। उसदा भरा भी उसदे नाल मनीला विच ही रहिंदा सी, पर पिता दे बीमार होण करके उसदा भरा इस समय पिंड विच ही आया होया सी। उत्थे दोवें भरा फाइनेंस दा काम करदे हन। प्रगट सिंह ने विआह भी मनीला दी कुड़ी नाल ही करवाया सी। उसदे दो बच्चे हन। अज जदों अपने घरों बाहर निकल रहा सी तां उसनूं गोलियां मारियां गईयां। उसदे 3 गोलियां लगियां ते मौके ते ही उसदी मौत होई है। कुछ समय पहला ही अपने पिंड भी अपनी पत्नी ते बच्चों समेत वो आया सी। पिंड वासियों नाल वो दिलों प्यार करता सी, इस करके पिंड विच गम दा माहौल है। मेरा भाई मनीला च गया हुआ सी जी, सिबू सिटी च रहिंदा सी जी, पिछले 4 साल तो गया हुआ सी जी। जी इन्हां दे सवेरे जदों काम ते गया गा जी, बाद विच 2 घंटे वाले दे उन्होंने गोलियां मार के इन्हें हत्या करती है। असं सरकार को कहने भी वो दोषियों को सज़ा दी जाए, वो लाश साढ़े घर बचाई जाए। इतने साढ़े पिंड जोधपुर जी 2 बेटे से वो जी। भरा मेरा छोटा सी प्रगट शर्मा नाम से, 2008 तो लेके फिलपीन च रहिंदा सी। सवेरे ये काम ते गया गा, उत्थों दे 9:30 बजे से अपने इंडिया के 7 बजे दे रस्ते च होल्ड अपर ने ते गोलियां चलाईयां ने, 3 गोलियां चलाईयां। एक दे पट्ट च लगी है, एक लत्त च लगी है, तीसरी दे सिर च लगी। उस तो बाद वो गोलियां मार के भज गए उत्थों। फिर उस तो बाद अपने इंडियन बंदे उधर काम ते आया सी, उन्होंने रौला पै गया, उन्होंने आके जाके हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से जाने तो 3 मिनट बाद उन्होंने एक्सपायर दसे भी डेथ हो गई। 2 बच्चे है जी, दोने बच्चे उधर ही ने पढ़ते सी। हूँ 4 साल हो गए सी हूँ दोबारे आके मुड़ के गए नू। 2008 चला गए से, बाद 12 च आ गए सीगा। फिर कुछ टाइम इतने ला के दोबारा फिर 4 साल हो गए दोबारा गए। उधर सारा एक ही काम है जी, फाइनेंस का काम ही है सर, वही काम करते। बरनाला तो लखविंदर शर्मा की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।